देखिए, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि हिंदू तो मस्त है अपनी व्यवस्था बनाने में, पैसा कमाने के लिए, बच्चों के पालन पोषण में व्यस्त है। और वो लोग जो दिन पर दिन हत्या कर रहे लगातार, वो गजवाए हिंद बनाने में, इसीलिए समस्या यहाँ से पैदा हो रही है। ये जो फतवे जारी होते हैं ना, बिजनौर के मौलवी ने फतवा जारी किया था कमलेश की कलम करके लाओ गर्दन 51 लाख रुपए मिलेंगे, ये उसी का परिणाम हो रहा है। इसलिए इन फतवों पर जो मस्जिदों से खड़े होकर के फतवे जारी करते, फतवे जारी करने वालों को चौराहे पे खड़े होकर के फांसी दे दो, व्यवस्था सब अपने आप बनती चली जाए। निश्चित रूप से विशेष समुदाय के लोग ही कर रहे हैं। ये वकील साहब का मेरठ में मर्डर करने वाले विशेष ये जिहादी लोग थे, विशेष समुदाय छोड़िए, ये लोग इस्लामिक स्टेट बनाने वाले लोग, लोगों की जो मानसिकता है वो लोग है। और ये जिहादी हिंदुस्तान में सुख शांति अमन चैन नहीं होने देंगे, बल्कि मैं तो मोदी जी से कहूँगी, मोदी जी कश्मीर के हालात आपने सुधार दिए, उत्तर प्रदेश में इन जेहादियों पर नकेल डालने के लिए फतवे जारी करने वालों के खिलाफ आप कदम उठाइए, इनको चौराहे पर खड़े होकर के फांसी लगवाइए, निश्चित रूप से व्यवस्था बन जाएगी। मीडिया तो मुझे कहेगी साध्वी जी ने दिया विवादित बयान, लेकिन हिंदुस्तान में सुख शांति अमन चैन करने के लिए ये कदम बहुत जरूरी है, इन पर नकेल डालने के लिए बहुत जरूरी। मस्जिदों में ये फतवे जारी करते हैं, मदरसों में जो शिक्षा के पवित्र स्थान है वहां पर इनके हथियार मिलते हैं। इसलिए क्या कहूं मैं, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरते हैं, हो जाते हैं बदनाम। साध्वी प्राची जरा सा कुछ कहे तो विवादित बयान, भड़काऊ बात आ जाती है, और वो हमारे लोगों का कत्लेआम सरेआम कर रहे, कत्लेआम। हाँ, निश्चित रूप से ये जेहादी लोग हिंदुस्तान का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि ये पूरी पश्चिम उत्तर प्रदेश की बेल्ट मिनी पाकिस्तान है, जहां जहां इनकी संख्या ज्यादा है यहीं पर हत्या क्यों ही, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा देख रहे हो आप, जहां जहां इनकी संख्या ज्यादा है हिंदू वहां असुरक्षित है। इसलिए कड़े से कड़क कानून बनाना पड़ेगा और व्यवस्था बनाने के लिए बहुत सतर्क होना पड़ेगा। कतई भी मस्जिद बाबर, जब मुझे बताए मीडिया के लोग, ना तो बाबर हिंदुस्तान में पैदा हुआ ना ही उसकी मौत हुई, तो फिर किस नाम की मस्जिद बना, किस लिए बना रहे हो? वो आतंकवादी था, वो लुटेरा था, वो चोर था, वो बलात्कारी था, अन्याय था, इसलिए उसके नाम की वो बना रहे हैं क्या? आएगी भाजपा, आएगी, आप चिंता न करें, भाजपा आ रही। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब